अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नदियां बहा करेंगी। कहां है वो दूध की नदियां भाजपा सरकार को पूछा जाते हैं? यहां तो लहू की नदियां बह रही हैं। झेलम में आप लहू की नदियां बह रही हैं। किलिंग्स होती है तो आप पाकिस्तान पे ठेकरा फोड़ देते हो। आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लोगों ने आपको चुटके भेजा है। और एक सरकार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को जन सुरक्षा मुहैया करवाना। जहां आप पाकिस्तान पर नकेल कसने में असफल रहे हैं, वहीं आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने में भी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी लगातार सिलेक्टिव किलिंग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और यहां पर जो है सरकार को जगाने का काम कर रही है, पर जो केंद्र सरकार है शायद वो टस से मस नहीं हो रही है। लेकिन गगन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मेरे टाइम में कश्मीर में ये हाल नहीं थे, यानी उन्होंने सीधा जो निशाना है वो केंद्र सरकार पर ही ताना। चलो, बीजेपी ने जो इनको अपना बंदा कहा था, आज इन्हीं की पार्टी के गवर्नर साहब जो हैं वो सीधा कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं भाजपा सरकार पर कि भाजपा सरकार जो है यहाँ पर माहौल को संभालने में असफल रही है। उनका ये संदेश है, उनसे सीख लेनी चाहिए भाजपा सरकार। दो दिन पहले आपने देखा कि वहां पर एक रेडी वाले की हत्या कर दी गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर एक कारपेंटर की हत्या कर दी गई। उसके कुछ दिन पहले दो टीचर्स का वहां पर जो है नरसंहार किया गया। ये कौन से हालात बन रहे हैं? आज आतंकवादी संगठन, चाहे वो TRF हो, चाहे ULF हो, चाहे LET से इनको बैकअप है, ये लोग वहाँ पर एक सेक्टेरियन होमोजेनिटी बनाने की कोशिश की कर रहे हैं। वहाँ से कोशिश की जा रही है कि माइनॉरिटीज और नॉन कश्मीरीज को निकाला जाए। हम भाजपा सरकार से पूछा जाते हैं, अब आए दिन जब किलिंग्स होती है तो आप पाकिस्तान पर ठेकरा फोड़ देते हो। आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लोगों ने आपको चुटके भेजा है। और एक सरकार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को जन सुरक्षा मुहैया करवाना। जहां आप पाकिस्तान पर नकेल कसने में असफल रहे हैं, वहीं आप लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने में भी विफल हुए हैं। अच्छा, अभी 15 अगस्त पे इस तरह का कहा गया था ना कि कश्मीर की फिजाएं बदल रही हैं, आफ्टर ऑल 1.5 मंथ के बाद किस तरह की फिजाएं आपको दिख रही हैं? देख लीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नदियां बहा करेंगी। कहां है वो दूध की नदियां भाजपा सरकार को पूछा जाते हैं? यहां तो लहू की नदियां बह रही हैं। झेलम में आप लहू की नदियां बह रही हैं। और जम्मू के अंदर भी आप देखिए कि कल संदिग्ध व्यक्ति पाए गए हैं, बड़ी ब्राह्मणा के अंदर रोहिंग्यास पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जम्मू संभाग के अंदर भी हालात खराब करने की कोशिश। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा, आपने भी देखा होगा कल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि बाहर से जो लोग हैं वो कश्मीर से आ रहे हैं, आपको किस तरह का लगता है उनकी बातें सुनकर? देखिए, एक ये राष्ट्र है, हर आदमी का फर्ज बनता है कि उसका इसका हक है कहाँ जाकर रोजी रोटी कमाए। वो वहाँ रोजी रोटी कमाने गए थे, बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप तो वहाँ पर नरसंहार कर रहे हो, ये आतंकवादी तो वहाँ नरसंहार कर रहे हैं, तो आपकी सरकार कहाँ है? हम ये कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान पर ठेकरा फोड़ना बंद कीजिए और इस भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। 370 को इसलिए किया गया था कि कोई कहीं भी आ जा सकता है। बिल्कुल, आप ये कह रहे थे ना कि कंप्लीट मर्जर हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन आपके जो अजीब जो प्रयोग, जो एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर पे हो रहे हैं, नए दिन नए कानून आ रहे हैं, लोगों पर एक दमन की राजनीति चलाई जा रही है, शोषण की राजनीति हो रही है, उसका आज ये नतीजा है, आपकी विफल पॉलिसीज का नतीजा है कि आज यहाँ पर कश्मीर के अंदर हालात जो है 1990 जैसे बन चुके हैं। एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो है हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 1990 में जो हुआ था, आप सब जानते हैं कि 1990 में क्या हुआ था, किस तरह से जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ से यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर जो है उनकी जानों को लगातार खतरा बना हुआ था। और इसी के साथ अगर बात करें तो अभी भी यही है कि उनकी जो जान है वो लगातार जो है सुरक्षा में नहीं है। और उसी की बात करें अगर हम यहाँ पर, वहाँ पर जो नॉन लोकल्स हैं अलग अलग राज्यों से गए हैं, किस तरह से वो वहाँ पर हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और किस तरह से जो है उन्हें उनकी जानों को नुकसान हो रहा है, किस तरह से जो है उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, आप लोगों ने कल देखा, बखूबी उन्होंने खुद अपनी जुबान से बताया कि आखिर उनके साथ वहां पर हो क्या रहा है। तो इस समय सरकार को जो है वो सत्ता के लालच को छोड़कर यहां पर उनकी जानों को बचाने की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान साथ।